अब आप खरीद सकते हैं शिव्स म्यूजिक फ्लूट अमेजन पर, वो भी किफ़ायती दाम में। इसके साथ आपको मिलेगा एक कैरी बैग, एक बांसुरी और लिखा हुआ मैनुअल। तो अभी तक आप सीख गए होंगे कि 12 तरह की अलग अलग स्केल्स होती हैं और सा हम कहीं से भी मान सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग सारे गा मा चेंज होते रहते हैं। तो अब हम मेजर स्केल और माइनर स्केल देख लेते हैं। उस कॉन्सेप्ट से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि टोन और सेमी टोन क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं ताकि फिर मेजर स्केल और माइनर स्केल आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि 12 तरह के मैंने स्केल लिखे थे, तो एग्जांपल ले रहा हूं सी नोट से। सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, इस तरीके से अपना चल रहा था 12 जो नोट्स थे। अब टोन का मतलब क्या है? टोन का मतलब यह है कि अगर मैं सी से स्टार्ट करूं तो मुझे डी पर जंप करना है, ठीक है, यानी कि इसको हम एक नोट बोलेंगे। जब हम एक स्किप करके नेक्स्ट पर जाते हैं तो उसको बोलते हैं टोन। अगर मान लीजिए मैं सी शार्प से जाता तो सी शार्प से डी शार्प पर एक टोन हो जाती, तो मान लीजिए मैंने इसको नाम दिया टी, ये एक टोन हो गई। डी से स्टार्ट करता तो डी शार्प को छोड़ के फिर ई, ये एक अपनी टोन हो गई, क्या हुई, टी। फिर ऐसे ही ई से स्टार्ट किया तो एफ शार्प, ये अपनी एक टोन हो गई, टोन। अब आते हैं सेमी टोन क्या होता है। आपको सुनकर ही पता लग रहा होगा, सेमी मतलब उसका आधा। तो अगर मैं सी से सी शार्प पर गया तो वो होगा सेमी टोन। तो जैसे फिर से लिख लेता हूं मैं सेम चीज, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, और इस तरीके से अपना चलता रहेगा, ठीक है। तो अब जैसे मैंने यहां से देखा, सी से हम डी पर गए तो उसको बोलेंगे टी, यानी कि टोन। अब मैं सी से सी शार्प पर जाऊं, मतलब कि जस्ट उसके नेक्स्ट नोट पर जाऊं, मतलब 12 में से हम जस्ट उसके अगले वाले पर गए, तो उसको बोलेंगे हम सेमी टोन या फिर हाफ टोन, या फिर हम उसको हाफ से भी डिनोट करते हैं। जैसे हमने इसको प्लस वन से डिनोट किया, यानी कि पूरा एक स्टेप आगे गए और यहां पर आधा स्टेप आगे जाएंगे। तो सिर्फ ये टर्मिनोलॉजी है, आप कंफ्यूज ना होइएगा टोन और सेमी टोन में। अब यहां पर देखिए, यहां पर इसको हम बोलेंगे प्लस हाफ, और मैंने क्योंकि ये सेमी टोन है तो इसको लिख देते हैं एस से, ठीक है। ऐसे ही जब सी शार्प से डी पर जाएंगे तो इसको भी एस, यानी कि सेमी टोन। डी से डी शार्प, ये भी एस, सेमी टोन। डी शार्प से ई, सेमी टोन। ई से एफ, सेमी टोन। एफ से एफ शार्प, सेमी टोन। ऐसे ही ये चलता रहेगा आगे की तरफ। और तो ये फर्क है टोन और सेमी टोन में। टोन मतलब कि प्लस वन, और सेमी टोन मतलब कि प्लस हाफ, प्लस हाफ या फिर आगे की तरफ, या फिर हम पीछे भी आ सकते हैं तो माइनस हाफ हो जाएगा। ऐसे ही टोन, ये सिर्फ डिनोशन है। कहने का मतलब यह है कि आपको एक प्रॉपर लीप लेना है आगे की तरफ, एक प्रॉपर टोन, तो उस टोन को हमने प्लस वन से डिनोट किया। अब आप ये कंफ्यूज ना होइएगा कि सर 12 में से हम एक आगे गए, एक स्टेप आगे गए, तो यहां पर प्लस वन लिखना चाहिए। यहां पर प्लस हाफ का मतलब है सेमी टोन और प्लस वन का मतलब है टोन। तो यहां पर टोन की बात हो रही, ना कि नोट की बात, ठीक है दोस्तों। इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा टोन एंड सेमी टोन। फिर से रिवाइज करा देता हूं मैं। टोन मतलब होता है कि जब हम एक नोट छोड़कर आगे जाते हैं, उसको डिनोट किया हमने प्लस वन से, तो जो साउंड निकल के आएगा वो मेजर साउंड निकल के आता है सेमी टोन में, सॉरी टोन में। फिर ऐसे ही सेमी टोन में क्या हो, जस्ट हम उसके फॉरवर्ड, यानी जो भी उसके आसपास है वहां पर जाएंगे तो वो होगा सेमी टोन। उसमें सिर्फ हम जो भी इसके आसपास है वहां पर जाएंगे तो उसको हम प्लस हाफ से डिनोट करते हैं और इसको प्लस वन से। तो यहां पर मैंने समझाने के लिए आपको टोन को टी लिख दिया है और सेमी टोन को एस लिखा है, ताकि मैं मेजर और माइनर स्केल उसको आपको आसानी से समझाऊं। तो अब हम मेजर स्केल देख लेते हैं। इसको हिंदुस्तानी टर्म में हम थाट बिलावल भी बोलते हैं। बिलावल की स्केल मतलब कि सभी स्वर शुद्ध, ठीक है, आपको रटना कुछ नहीं है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए, जो फॉर्मूला बेस्ड होता है वो उसका ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये लिखिए सी स्केल, तो सी स्केल मैंने लिखा, सी के बाद सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी, सी। तो अब मेजर स्केल में क्या होता है कि सी के बाद आपको डी प्ले करना है, यानी कि एक टोन। मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में टोन और सेमी टोन क्या होता है, तो यहां पर आपको टोन कवर करना है, फिर टोन, फिर सेमी टोन, फिर अगेन टोन, टोन, फिर टोन, फिर सेमी टोन। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, ये देखिए, वन वन हाफ, वन 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 हाफ। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके बाकी सभी स्किल्स में मेजर स्किल लिखिए। मतलब कि ये जैसे मैंने सी से स्टार्ट किया है, अब मान लीजिए मुझे सी शार्प से स्टार्ट करना है, तो सी शार्प को मैंने पहला अपना सा माना, तो अब बताइए सी शार्प के बाद क्या आएगा इस स्केल में, मेजर स्केल में कौन सा नोट आएगा।
सी शार्प के बाद आपको देखिए एक यानी टोन छोड़ना है, तो टोन का मतलब यह है सी शार्प के बाद डी आता है तो डी छोड़ के फिर डी शार्प, इसी तरीके से डी शार्प के बाद ई आता है उसके कंटिन्यूस लेकिन हमको वन लेना है यानी कि टोन लेना है, इसका मतलब ई छोड़ के फिर एफ, तो ये हमारा हुआ सा रे ग। अब म प्ले करने के लिए म पर आपको हाफ यानी कि जस्ट उसके बाद जो आएगा एफ के बाद आता है अपना एफ शार्प, ठीक है। अब उसके बाद एक टोन मतलब कि एक छोड़ के एफ शार्प के बाद एक छोड़ा तो जी छूट जाएगा फिर आएगा हमारा जी शार्प। अब ऐसे ही एक फिर से छोड़ना है तो ए छूट जाएगा फिर आएगा ए शार्प, फिर उसके बाद फिर से एक छोड़ना है तो यानी कि ए शार्प के बाद बी आता है फिर वो छोड़ के सी हो जाएगा और फिर उसके बाद हाफ यानी कि सी शार्प फिर से रिपीट हो जाएगा, सी के बाद आता है हमारा सी शार्प। तो ये अपना हो गया मेजर स्केल, कौन सी स्केल में, सी शार्प में। तो सी शार्प को मैं यहां पर सा बोलता हूं अगर तो ये सा रे सभी स्वर शुद्ध सा रे ग म प ध नी सा। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको सभी 12 स्केल से करनी है, जैसे मैंने आपको समझाया 2 से सी, सी शार्प से मैंने आपको बता दिया है, तो अब आप डी से स्टार्ट कीजिए, डी शार्प से स्टार्ट कीजिए, वो आप अपनी डायरी या फिर जहां भी आप प्रैक्टिस करते हैं वहां पर आप लिखिए। तो इससे आपका मेजर स्केल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जब भी आप प्ले करेंगे सारे गामा पद निशा तो जो भी आपके स्केल की फ्लूट होगी या फिर जो भी आप इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं तो उसमें आपको आसानी होगी। तो अब हम माइनर स्केल देख लेते हैं। माइनर स्केल में क्या होता है कि आपको ग ध नी, ग ध नी ये तीनों कोमल लेना होता है। तो आइए देख लेते हैं सी स्केल का, लिखिए आप सारे सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी और फिर सी। अब देखिए इसका फॉर्मूला बनाते हैं कैसे बनेगा। सी के बाद आपको लेना है रे शुद्ध प्लस वन मतलब कि टोन, प्लस वन मतलब कि मैंने आपको समझाया टोन और सेमी टोन में फर्क, यहां पर मैं लिख दिया टी मतलब कि टोन। उसके बाद लेना है आपको ये हो गया हमारा रे शुद्ध, अब आएगा ग कोमल यानी कि प्लस हाफ, यहां पर लिख दिया मैंने एस यानी कि सेमी टोन। उसके बाद आएगा सा रे ग फिर म शुद्ध, म शुद्ध के लिए आपको टोन लेना पड़ेगा, एक अपना सी नोट हो गया, ये हो गया अपना डी शार्प और ये हो गया अपना एफ, तो ये होगा अपना प्लस वन मतलब कि टोन, टी फॉर टोन। ओके सा रेश यहां पर आएगा रेशुद्ध, सॉरी सा रेशुद्ध ग कोमल म फिर प, म शुद्ध के बाद प लाने के लिए हमको एक छोड़ना होता है क्योंकि बीच में म तीव्र हो जाएगा वो, तो यहां पर फिर से प्लस वन फिर से ये टी। अब देखिए क्या हुआ अपना कहां तक पहुंच गए, म तक प तक पहुंच गए, सा रे शुद्ध ग कोमल म शुद्ध प, अब ध कोमल, ध कोमल के लिए फिर से आपको प्लस हाफ करना पड़ेगा यानी कि सेमी टोन, इसको मैंने सर्कल किया ये होगा मेरा ध कोमल। अब उसके बाद नी कोमल, अब देखिए ध कोमल के बाद आता है ध शुद्ध फिर आएगा नी कोमल, तो फिर से आपको प्लस वन करना पड़ेगा और यहां पर लिखूंगा मैं टी। अब ये वाला नोट हुआ हमारा, देखिए सा रे शुद्ध ग कोमल म शुद्ध प ध कोमल नी कोमल और फिर सा, तो यहां पर फिर से हमारा प्लस वन हो जाएगा क्योंकि ये हमारा नी शुद्ध होगा प्लस वन और ये होगा टी। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है, टी एस टी टी एस टी टी, सिंपल है टी एस टी टी एस टी टी, टी मतलब टोन, एस मतलब सेमी टोन। अब यहां पर टी को आप प्लस वन भी लिख सकते हैं, एस को आप हाफ भी लिख सकते हैं, तो वन हाफ वन वन हाफ वन वन, तो ये फॉर्मूला आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे आप गैप दे देंगे तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए। और मैंने जैसे आपको बताया कि सभी 12 स्केल में आपको प्रैक्टिस करनी है, आप अपनी डायरी में लिखिए मेजर स्केल माइनर स्केल। तो एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं सी शार्प से क्योंकि मैंने मेजर में भी लिया था, तो इसके संग नाइन साफ हो गए, तो यहां पर लिखिए सी शार्प। अब देखिए आपको लेना है रे शुद्ध, सी शार्प के अकॉर्डिंग रे शुद्ध होगा डी शार्प, अब आपको लेना है ग कोमल, तो डी शार्प के बाद ग कोमल यानी कि ई नोट आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पीडीएफ देखिए जिसमें सारे कॉलम लिखे थे, और नहीं पीडीएफ देखते हैं आप तो आप अपनी खुद से प्रैक्टिस कीजिए जो मैंने आपसे होमवर्क दिया था सभी 12 करने का। तो पहले इसको यहां पर लिख लेते हैं सारे ग म प ध नि सा, ये सा हुआ ये रे शुद्ध, अब यहां पर लेना हमको ग कोमल, कोमल के नीचे अंडरलाइन, ग के बाद म प ध कोमल भी लेना है हमको, नी कोमल भी लेना है और फिर ये सा आ जाएगा नेक्स्ट ऑक्टेव का, ठीक है, यानी कि हमको ग ध नी ये तीन स्वर कोमल लेने हैं।
तो सी शार्प को हमने सा माना था, तो डी शार्प हो गया हमारा रे, फिर ई नोट होगा हमारा ग कोमल, फिर म हो जाएगा हमारा एफ शार्प, फिर प होगा हमारा जी शार्प, और फिर ध कोमल होगा हमारा ए नोट, और फिर नी कोमल होगा हमारा बी नोट, और सा हो जाएगा हमारा सी शार्प। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है सभी 12 स्केल में, तब आपकी कमांड धीरे धीरे अच्छे होगी। आपको स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होगा, लेकिन थोड़ा सोचिए, जो पीडीएफ है उनसे हेल्प लीजिए, जो लेसन नंबर 4 की 3 वीडियोस है पुरानी उनको फिर से देखिए, और ये 3 नई वीडियोस फिर से देखिए। तो अभी तक हमने सीखा क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, सभी 12 स्केल्स कहीं से भी हम सा शुरू कर सकते हैं, प्लस मेजर माइनर स्केल्स, टोन सेमीटोन क्या होता है, तो इन सब की पकड़ आपको अच्छी होनी चाहिए।